गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराइए, क्योंकि इस बार शुरुआत आपको शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से करना होगा। इसलिए हिम्मत ना हारे, कोशिश जारी रखें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी विचार के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 19 जून 2024 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, बुधवार का दिन है। आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि जो है 7:29 के बाद आज शुरू हो जाएगी। रात 9:12 तक सिद्ध योग रहेगा, साथ ही शाम 5:23 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज चंपक द्वादशी है, इसके साथ ही आज प्रदोष व्रत भी है। वहीं चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। सबसे पहले बात मेष राशि की। आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। बस आज वाहन चलाने में आप सावधानी बरतें। अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण हो सकता है कि आज आपका धन खर्च हो जाए। वहीं व्यापारियों की अगर हम बात करें तो आज कोई भी फैसला सोच विचार कर ही ले तो बेहतर होगा। वृषभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। विवेक से फैसला ले। आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। सेहत की बात की जाए तो बेहतर रखने के लिए सेहत को जरूरी है कि आप योग और व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें। दफ्तर में आज कोई भी काम बड़े ध्यान से करने की जरूरत है, वरना अगर गलती हुई तो हो सकता है यह आपकी परेशानी को बढ़ा दे। व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले भी आज कई बार सोच विचार लें तो आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आपके जीवन साथी का प्यारा बर्ताव आपका दिन खुशनुमा बना सकता है। आज आर्थिक लाभ होने की संभावना है। दफ्तर में भी अगर आज हम देखें तो आज का दिन आपका बेहतर ही गुजरेगा। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्म जोशी से भरा व्यापार आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखने में मददगार साबित होगा। सेहत की बात करें तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। अगर पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। साथ ही वाहन चलाने में भी आज आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दफ्तर में अटके सभी कार्य समय से आज निपट जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य मौसम के बदलाव के कारण कुछ समय से खराब चल रहा है तो आज थोड़ा सा सुधार आपको स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। व्यापारियों को हालांकि कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तभी उन्हें तरक्की मिल सकती है। पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। अगर आप विदेशों में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। उन लोगों की तरफ वादे का हाथ आज आप जरूर बढ़ाएं जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। दफ्तर में हो सकता है थोड़े तनाव का आपको सामना करना पड़े। स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रेम संबंधों से लेकर आज अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना तालमेल खराब हो सकता है। साथ ही आज आर्थिक स्थिति को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ज्यादा खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में अगर है
तो ये आने वाले समय में परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए सचेत रहें। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी। खुद को ज्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करें। इससे ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर और ईर्ष्या जैसे ये जो नकारात्मक मनोभाव है इनमें भी कमी आएगी। आज के दिन काम करते वक्त आपको कोई खास दिक्कत यूं तो सामने नहीं आएगी, आप हर मोर्चे पर एक विजेता की तरह आज उभरेंगे। कुछ समय के बाद जो आपकी तलाश है एक अच्छी नौकरी की, वो भी खत्म हो जाएगी। सेहत की बात की जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट आज आपको नहीं होगा। अब बात तुला राशि के लोगों की करें तो देखिए, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, नौकरी में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। बस स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी का ये जो मौसम है ये आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है, साथ ही चोट लगने की भी आशंका आज है, इसलिए सावधान रहें, ध्यान पूर्वक चलें। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए दिन अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर रखें, कोई भी फैसला जो है वो सहमति से लें। इसके अलावा मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आपको और ज्यादा खुश कर देंगे। कुल मिलाकर आपका दिन आज बहुत बेहतर गुजरने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो लोगों से साथ जो बात है वो आप लोगों के साथ जाकर किसी समारोह में शिरकत कर सकते हैं, वहां पर आप उनसे अपने दिल की बात कर सकते हैं और खुल के बात कीजिए। डर और घबराहट को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है, आपको अपने दिल की बात सबके सामने रखनी ही होगी। जाहिर सी बात है इससे आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या फिर आर्थिक मुनाफे की संभावना है, मगर थोड़ी सी भी चूक होने पर आपको खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, इसलिए काम बहुत ध्यान से करें। सेहत बेहतर रहेगी, बस आपको धूप से अपने आप को बचा कर रखना है। गर्मी में अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने मुंह को ढककर बाहर निकलें। व्यापारियों की बात करें तो आज लाभ के योग हैं। धनु राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दिन ठीक ठाक रहेगा। दफ्तर में आपकी किसी सहकर्मी से हो सकता है किसी बात को लेकर बहस हो जाए, ये बात आपके अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है, इसलिए आज सावधान रहें। ऑफिस में आज आपको स्थिति को समझते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहिए, कोई भी बात जबरदस्ती बोलकर खुद के लिए परेशानी मोल ना ले लें। आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, गर्मी से बचाव कीजिए। व्यापारियों को भी आज हम यही कहेंगे कि कोई भी फैसला आज बिना सोचे समझे ना लें। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शहनाई बज सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए मोर्चे पर कहीं ना कहीं सफल होंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, बस आपको अपना काम पूरी लगन से करना होगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा था उसमें सुधार की गुंजाइश है। साथ ही अगर बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो ज़रूर आज के दिन इस ओर आप कदम बढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आज का दिन खेलने में व्यतीत आप कर सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र आज कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह दे सकता है, उस पर आप अमल ज़रूर करें। अगर इस सलाह पर आप अमल करते हैं तो आने वाले समय में ये मुमकिन है कि आपको काफ़ी धन लाभ हो। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दफ्तर में ज़्यादा काम हो सकता है आपको करने के लिए और ये आपकी शाम को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि थकान भरा बना सकता है, लेकिन व्यापारियों में देखा जाए तो आज लाभ के योग बन रहे हैं, व्यापार आज खूब फलने फूलने वाला है।
मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले नौकरी पेशा जो लोग हैं, आपके दफ्तर में आपको बहुत अधिक कार्य करना पड़ सकता है और इससे आपको कहीं ना कहीं थकान तो होगी, मगर दूसरी बात ये है कि ये अधिक काम जो है वो आपको अधिक मान सम्मान की प्राप्ति करवा कर जाएगा। आपके अधिकारी आपके कार्य से खुश रहेंगे। सेहत की बात की जाए तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमार पड़ने की संभावना यहां पर बन रही है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में उन्नति के जो अवसर हैं वो आपको मिलेंगे। बस अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फिर धन का निवेश अगर आज आप करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। तो ये था आज का राशिफल। इसी के साथ कामना करते हैं कि आपका आज का दिन मंगलमय होगा। नमस्कार।